हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल प्रिया फिटनेस पे। अभी हम लोग जा रहे हैं भभूति लेने। किन की है वैसे वो, मैं नाम भूल गई हूँ बाबा का। सन्यासी बाबा जी की भभूति लेने जा रहे हैं हम लोग। कितना क्या टाइम हो गया सर, कुछ बोला करो जब मैं ब्लॉग ऐड करते, उसी वक्त मैं मुंह आपका मुंह बंद हो जाता है। 627 वैसे तो आप बड़बड़ करते रहते हैं 24 घंटे। हाँ बाबू की माँ है, कोई बैठी भी तो होनी चाहिए। उनकी शक्ल देख किस तरह की है, सींग है उनके ब्रो, सींग मारेगी मेरे। मैं तेरी वीडियो बनाऊंगा तेरा जोर होना। वो देखो वो ऑलरेडी लड़ रही हूँ। अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, पहले बहुत ज़्यादा धूप, हद से ज़्यादा धूप थी, अभी बेटर हो गया काफ़ी। हम तो यहाँ पे जितना खाए उतना कम है। कितने खा गए आप? ये फुलके हाँ, और साथ में हम लोग पी रहे हैं मैंगो शेक का ग्लास। कितने का है? कितने का है? 20 रुपए मात्र। आपने ट्राइपॉड भी पड़ा हुआ था, आपने दिखाया नहीं। अपने दे के उन्हें दिया हूँ मैंने माता जी को। ठीक है ओके। कैसे लगाई है वाला विष्णु भगवान? 200 रुपये का है, भारी है। 200 रुपये का देखिए, 200 रुपये। अरे नू रख लै कर गेड़ा दिन भारी है ना। अम्मी देख एक मिनट, उसने देख देख 200 रुपये का विष्णु भगवान बोल। ठीक है तो भी अटक जा लोग के आगे, तेरे क्यों जाए। ठीक है अभी चले हम दुकानों की तरफ, कुछ कुछ देखने खरीदने। अच्छे लाइट यहाँ पे गई हुई है। डोंट टच माय बॉडी। गुड मॉर्निंग। हम लोग आए इधर नहाने, इसमें पानी नहीं है। ब्रश ब्रुश करके फिर रहे, धक्के खा रहे आज के दिन। कल की ट्रेन हमारी, भाग जाएंगे यहाँ पे। हम लोग इतने काले हो गए ना सच्ची, बहुत ज़्यादा भाई ये लग रहे हैं हम तो सब यहाँ पे। सो नहाने के बाद हम लोग ने चेंज चुंज किया, अंदर दोबारा से नहाए। और मेरी आईज इसने दुखी किया हुआ है यार, ये फोड़ दिए मैंने बट फिर भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम कर रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा से मंदिर मत्था टेकने, कुछ सामान लेने, क्योंकि हमारी ट्रेन है कल और हम लोग निकल रहे हैं कल पंजाब के लिए, मतलब दिल्ली के लिए, उसके बाद फिर पंजाब। मैं कितनी काली हो गई तब तो मैं सही थी। भीतर गोली लगती की लहरी माथे पर काला काला, उसमें तो बैग में तो ही लग गया सारा सौदा। हाँ भाई कैसे हो? हम चले मंदिर के लिए। बस हाय बोलते, कुछ बोला कि भी करो ब्रो यार, क्या बोलूं। चलिए भाभी चलो अब चलते मंदिर दोबारा से मत्था टेकने, 3-3 बार दर्शन करेंगे हम लोग। सूरज धूप इतनी है ना, काले हो चुके हम लोग। हम जब जाएंगे ना वहाँ पे लोग पहचानना बंद कर देंगे। मेरा बड़ा दिल करता है इनके घरों में जाने के, ये लोग एंटर नहीं ना देंगे मेरे को, एंट्री नहीं देंगे, एंट्री तो बोलेंगे बाहर निकलो। कौन वहाँ से बाहर निकलो, तो गाँव में नहीं ऐसे लोग कहते हैं, जाओ कहते हैं लोग। हम आए अंदर, हम आए थे घर देखने, मेरा बड़ा मन था देखने का। छोटे छोटे चूल्हे, अच्छा है ना। हेलो ओए छोटू, हेलो करो, हेलो निकल गए आपकी, निकर तो पहन लो छोटू। ओए छोटू
निकल तो पहलो सही है ना। हम लोग जा रहे हैं दोबारा से दर्शन करने, मुझसे दर्शन ही कर लेते। हाय गाइस, आज अच्छा लग रहा है ना, कितना वही जगह है देख लो, इतनी भीड़ थी इस जगह पे। हम लोग यहाँ से उस साइड थे और यहाँ से इसके ऊपर से कूद कूद के हम इस साइड आए हैं। आज वही जगह अजीब लग रहा है। चलो वो है ऊपर, ऊपर कैमरा अलाउड नहीं है पता है, मैं फिर भी जैसे तैसे करके झुटके खा के बना ही लेती हूँ वीडियो। ये वो सामने मंदिर है, हमें घूम के जाना है यहाँ से, यहाँ से मतलब ऐसे घूम के फिर जाना जय बागेश्वर धाम की। यहाँ पे जिनको भूत बाधा होती है वो लोग यहाँ बैठते हैं, और यहाँ से हम लोग जाते हैं। इस तरह सारे भूत बाधा वाले होते हैं, ये सारी अर्जियाँ बनी हुई है, मतलब आप परिक्रमा करके कहीं पे भी अर्जी बांध सकते हो, कहीं पे भी, कोई ज़रूरी नहीं है एक स्थान है, जहाँ दिल करे वहीं बांध दो। चलो चलो आगे हम लोग धक्के खा के। बोल कुछ है, तेरे आगे कैमरा करे है? हाय कोई नहीं बोलता, जब ब्लॉग जीरो हो जाता है ब्लॉग के बिना सबकी ऐसी चबड़ 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 चलती है ना जमान, उल्टा सीधा वो फ्री तरह मैं ये करता हूँ, चल ब्लॉग बनाता फ्री तरह। कड़ा घूमी है हम, पहाड़ तो देखे नहीं बाकी सब कुछ देखे, बाबा जी के धाम पे गए। कैसा लगा तीन दिन बाद? अच्छा लगा, तीन बार जी उतर गया, अब तो जानना दिल गया, नो स्टॉप गाने नहीं बजाने, थक गए बहुत ज्यादा। टहनी यहाँ पे तो हम लोग बैठे हैं बाहर कुर्सी उड़ा के, और हमारे सामने एक विश्व दृश्य, सुंदर सबसे अच्छा दृश्य एवर। आपको होटल्स के बाहर बीच दिखता होगा, समुंदर दिखता होगा, हमें ये दिखता है सबसे सुंदर। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और आज है हम लोग की, आज है नेक्स्ट डे और आज है हम लोगों की ट्रेन। यार क्यों ब्लर क्यों आ रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहा। और आज सभी गए हुए मंदिर मत्था टेकने, मैं नहीं गई बिकॉज मेरी तबीयत खराब है। तो आज शाम को हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए, और फिर कल सुबह हम पहुंच जाएंगे दिल्ली, और फिर वहां से हम लोगों की ट्रेन अभी हमने बुक नहीं कराई, बट क्योंकि कोई भी ट्रेन अभी थी नहीं कि बुक भी क्या कराते हैं, कोई सीट ही नहीं थी, तो फिर हमने सोचा हम वहाँ जाके टीटी से ही बात कर लेंगे सीधा, क्योंकि इतने आते हुए हम लोग को इतनी परेशानी हुई थी ना, हम गर्मियों में आए थे, हमें पता है क्या हालत हो गई थी, अब जाते हुए नहीं होना चाहिए ऐसा। पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे, इतना ज़्यादा अच्छा लगा मैं बयान नहीं कर सकती। आप लोग भी कभी कभी आना, जो जो लोग देख रहे हैं आप कभी बागेश्वर धाम आना, आपको पता चलेगा कि मतलब एक ना अलग ही फीलिंग है यहाँ पे। यहाँ का मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये कोई शहर नहीं है, ये गांव है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बहुत ज़्यादा आई थिंक, मुझे लगता है हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आगे है, हमारा शहर बहुत ज़्यादा आगे है, हम लोग जा रहे थे। और ये इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पानी नहीं है, आप मानोगे ना, आप इतनी गहराई में जाके भी कहते हैं ना पानी निकलता, पर यहाँ पे पानी नहीं है बिल्कुल भी, पानी की इतनी समस्या है यहाँ पे हद से ज़्यादा, पानी और बिजली की। तो मतलब यहाँ पे जब भी आप आओगे ना तो आपको होटल्स तो मिलेंगे नहीं, मतलब लोगों ने अपना एक अलग से बनाया हुआ है ऊपर टीने डाल के, तो वहीं पे लोग स्टे कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, होटल्स तो है नहीं, होटल एक है वो खजुराहो में, इतनी दूर से डेली अप डाउन कोई कौन करेगा मत्था टेकने के लिए, तो सब नज़दीक नज़दीक ही अपने पास पास में ही अपने अपने स्टे लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो एक सबसे बेस्ट है जहाँ पे हम लोग रुके हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको कूलर भी मिलेगा और इन्वेटर भी इन लोगों के पास, ताकि अगर लाइट चली भी जाती तो इन्वेटर पर चलता रहेगा सब कुछ। और
आपको कंफर्टेबल भी फील होगा, बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग हैं और प्राइस कुछ ज़्यादा है ही नहीं। जो हम प्राइस नॉर्मली हम अपने शहरों में भी एक दिन के होटल्स का देते हैं, सेम वही प्राइजेज हैं यहाँ पे भी। मतलब ठीक है, कंफर्टेबल है और आप खाना भी ठीक है। खाना तो मतलब सादा खाना, जो हम लोगों को प्याज और लहसुन मना कर देते हैं यहाँ आने से, वही चीज़ें हैं। और एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो मतलब मेरा एक सपना था यहाँ पे आना, बागेश्वर धाम आना। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे जाना है, मुझे भी देख के आना है वहाँ पे, मुझे भी अपनी अर्जी माननी है, तो मुझे जाना है, मुझे भी चाहिए कुछ उनसे, और उनसे मिलना भी है, मुझे देखना भी है उनको। और जिस दिन मैं आई थी यहाँ पे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि यार मैं देखूँ, है ना, दर्शन करूँ उनके, हनुमान जी के, बागेश्वर धाम के। तो जैसे जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, मैं जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ती गई ना, मेरे दिल की धड़कन हद से ज़्यादा तेज होती गई। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मैं नहीं बता सकती। मतलब मेरी आँखों से ना मतलब आंसू आने शुरू हो गए थे कि अब क्या करूँ। मतलब मेरा सपना था यहाँ आना एक तरफ का, और जैसे अभी तो मैंने दर्शन किए भी नहीं थे, मैं लाइन में लगी थी और मैं रोने लगी वहीं पर खड़ी हूँ, क्योंकि यार कि मैं मिलने जा रही हूँ ना, मैं दर्शन करने जा रही हूँ, और मिलके मतलब जो जो चीज़ें मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, तो वो अभी ठीक होने वाली है। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को खुशी मिल रही थी उस चीज़ की कि यार अभी सब ठीक होगा, बस एक बार दर्शन हो जाए उनके। मेरे मन में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी कि ऐसा लग रहा था दर्शन कर ले, ठीक होने वाला है सब कुछ। और जैसे मेरी बारी आई, एंड सडनली आई एम लिटरली उनके सामने मैं रोना शुरू कर दिया, और सब मेरे को देख रहे थे। मेरे को बाद में थोड़ा सा एम्बेरस फील हुआ कि यार सब मेरे को देख रहे थे, बट जब मैंने जैसे ही उनको देखा ना, पंडित जो वहाँ पे पंडित खड़े थे, दो तीन जने खड़े थे जो कि लाइंस को जल्दी जल्दी आगे कर रहे थे कि भीड़ इकट्ठी ना हो, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला। मैं रोने लगी वहाँ खड़े होकर, उन्होंने मेरे को टाइम दिया कि आप खड़े होकर मत्था टेको, शांत हो जाओ। और उनको देख के मेरे आँखों में मतलब पानी ऐसे आना शुरू हुआ, लाइक कि सब कुछ ना उन्होंने सुन लिया, लाइक ऐसे फील हो रहा था मेरे को, उनके दर्शन हुए। और जैसे ही मैं वहाँ से साइड हुई, तो मेरे को ऐसा हुआ मैंने दर्शन ही नहीं किए, मतलब मेरा मन नहीं भरा, मतलब ऐसा था मैं देखती रहूँ, मुझे देखना है। मेरे ऐसा था माइंड से वो पिक्चर चली गई, माइंड से वो मेमोरी सी चली गई जो मैंने अभी दर्शन किए, मेरे एकदम से क्लीन हो गया कि मुझे दोबारा देखना है। तो हम लोगों को उस दिन ये था कि उस दिन दरबार लगना था, महाराज जी ने आना था, तो हम लोग वहाँ से जाके सीधा दरबार में जाके खड़े हो गए। दरबार के लिए इतनी गंदी भीड़ लगी हुई थी बाहर, तो हम लोग जैसे अंदर गए तो हम लोग बैठे थे 12-1 बजे के करीब दरबार में जाके बैठे थे, और महाराज जी शाम के 5-6 बजे आए थे, तो हम लोग तब से वहीं पर बैठे हुए थे उनके दर्शन के लिए। और वो आए भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी आए। मेरे को ऐसा था कि मेरे को उनसे बात करनी, जो मर्जी हो जाए, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं बार बार नहीं आ सकती हूँ। तो मैंने भीड़ से धक्का मुक्की करके, जैसे मर्जी करके, मैं निकल के मैं सबसे आगे गई और मैंने उन्हें प्रणाम किया, उनको देखा, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया दूर से कि जीती रहो बहन, आई एम वेरी हैप्पी। मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे और मेरा फ़ोन पीछे था, तो उसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। और उन वो इतने भोले दिखते हैं, आप क्लोजली उनको कभी भी देखोगे ना, वो इतने प्यारे, इतने भोले दिखते हैं ना, मतलब लाइक इतना मासूम कैसे कोई हो सकता है। वो वेरी मतलब क्यूट सा है एक, उनको मैं देखी जा रही थी एक टक, वो जैसे बोलते हैं, बात करते हैं लोगों से, हंसते हैं, तो मतलब इतनी सारी भीड़ है, लोग मर पिट रहे हैं, वो फिर भी क्लोजली आराम से बैठ जाओ, बड़े प्यार से, देखो तो ये चीज़ मतलब काफ़ी अच्छे लगे वो। और कैसे एकड़ बोल पड़ो, आपको बोल रहा है, एकड़ जानते हो आप? एकड़ नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? दीदा भी नहीं जानते हैं। गज जानते हैं। कैसे मतलब? गज, एक गज में आपका कितने बार फूट हो जाएगा? सौ बार फूट एक गज पे। सौ गज का पेड़ होता है।
हम चले हाँ खजुराहो वापस, फिर बुलाना हम फिर आएंगे। हम चले खजुराहो, अभी चुनी उड़ला आपको वो नहीं लग रही, गर्मी लग रही। ये कौन है पहचानो? हमारी अभी ट्रेन है, ये रही भाभी जी, हेलो करो। हेलो, हमारी हम लोगों की अभी ट्रेन है, कितने बजे की है? 6:35 और हम लोग अब बस निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली उसके बाद हमें जाना है लुधियाना। और ये चुन्नी मैंने इसलिए बांधी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी धूप और बहुत सारे पिंपल निकल गए और ब्यूटी सारी उड़ गई है। कहाँ भागोगे आप? हेलो हेलो लव ब्रो, ये रे लव सर, छुपते फिर रहे थे क्योंकि कह रहे मेरे को ब्लॉग में आना ही नहीं है। और मम्मी है ये कौन है? मैं जा रही हूँ सोने के लिए, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे मत बोलो मैं, ठीक है ना? मुंह की छुपा ली अब, शर्मिल्ली ए शर्मिल्ली। हेलो, काम कर नहीं देने कोई? आपको है कोई काम कर 2400 घंटे? माँ दे माँ भारत, माँ दे माँ भारत है। अब नहीं आ रहे आपके सपने? भीम भूम खत्म हो गए सारे, अब क्या आ रहा है? बागेश्वर धाम, अब बताओ बोल ले। हम लोग पहुंच गए दिल्ली और अभी हम लोग टिकट कराने की सोच रहे क्योंकि हमने दिल्ली से लुधियाना की टिकट्स नहीं करवाई थी क्योंकि थी ही नहीं, सीट ही नहीं थी वेटिंग लिस्ट में। भाई तू दांत में फाड़ा कर जब भी अभी हमने ना तो मुंह धोया ना ब्रश किया, ऐसे ही आए बस, अभी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले और अभी बस सिटी को ढूंढ रहे हैं कि टिकट हो जाए हमारी और हम लोग सुख शांति से लुधियाना पहुंच जाए। अभी हम आए हैं एक प्लेटफॉर्म नंबर पे आए हैं, टीटी को ढूंढने पर टीटी नहीं है कहीं पे भी, तो जब ट्रेन आएगी तभी ढूंढेंगे टीटी को भी। अभी ऐसे पागलों की तरह चलते फिर हम लोग बैठ गए अभी बस में और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे पर ट्रेन में टिकट ही नहीं मिली हम लोगों किसी को भी क्योंकि हम लोगों को चाहिए थी एसी में, तो एसी में कोई भी सारे फुल सारी सीटें फुल थी, बोल रहे स्लीपर में चले जाओ पर हम नहीं जा सकते थे। यार भाई मेरे को बात, मैं जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ ना मेरे तरफ घूर घूर के देखते रहेंगे कि बोल कैसे रही है ना, और जब कैमरा ऑफ होता है तब इतनी तेज जबान चलती है ऐसे कैंची की तरह बड़बड़ 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 2400 घंटे मेरे में कोई ना कोई नुक्स निकालते रहते हैं। अभी जैसे कैमरा ऑन हुआ है उधर है फेस उधर, अभी जैसे मैंने ब्लॉग बंद किया साथ ही मेरी कोई ना कोई बुराई शुरू कर देंगे। ये बैठे दोनों आए क्या हाय के सिवा कुछ नहीं बोलती, कुछ तो बोले हाय, कुछ क्या बोले, बैठे हैं वेट में बस, अभी चलने वाली और हम लोग रात को पहुंचेंगे। एक्सपीरियंस होगा कि पहले से सब कुछ करा के रखना चाहिए, दुखी नहीं होना पड़ेगा ना। वॉल्वो में आए बढ़िया आ रहे हैं ठीक है, बट फिर भी हमें पहले सोच के चलना चाहिए कि यार कि हम पहले ही निकलने से पहले वहीं से हमने आने की जाने के सारा बंदोबस्त किया, ट्रैवलिंग में हम दुखी ना हो क्योंकि ट्रैवलिंग सबसे लंबा रास्ता है, वो दुखी ना हो। अभी चल पड़ी है बस,
लुधियाना के लिए, और फिर मिलते हैं लुधियाना पे, रास्ते में भी मिलेंगे, रास्ते में अगर कहीं पर स्टे होती है तो आपको दिखाएंगे। अब तो चलो, और हालत हो रखी है बहुत बुरी, ना ही नहीं से मुँह धोया है और धूप में फिरे हैं, लोग तो हमें पहचानने से मना करते हैं, हम लोग काले हो चुके हैं, वेट कम हो चुका है, मसल मास डाउन। ये देखो जी फिटनेस फ्री, फैंटा पीते हुए। चलो बाय। हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अभी नहा धो के मैं बस अभी खाना खाने लगी हूँ, और बाद में मैंने सिर नहीं धोया, सिर धोना है, एंड वेरी रिलैक्स फील हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड। सो मैं कर रही हूँ ब्लॉग यहीं पे एंडिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपने इतना सारा प्यार दिया पिछले ब्लॉग को भी, इसको भी जरूर देना, एंड ऐसे ही कंटिन्यू मैं ब्लॉग डालती रहूँगी तो आप लोग सारे देखना। थैंक यू।